Hello, welcome to today's class. Today we have to take other chapters, that is atoms and nuclei. In the same series of important questions or important text for CBSE term 2 exam 2022. ये जो 2022 के जो term 2 के बिल्कुल आपका आप देखते हैं कि 35 नंबर का पेपर है और जिसमें कि टोटल 12 क्वेश्चन हैं और शुरू के 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, उसके बाद के जो है क्वेश्चन नंबर 6 to 11 जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 6 क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स के हैं और उसके बाद बाकी 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसके मतलब हो जाएगा स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 10 नंबर तो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 3-3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, तो आपके कितना हो जाएगा 18 नंबर तो हो गए। तो ऑब्वियसली 18 और स्टार्टिंग के 5, स्टार्टिंग के 10, 28 नंबर पे ही हो गए। और जो बाकी क्वेश्चन हैं आपके, सॉरी इसमें 7 क्वेश्चन हैं, तो इसमें 28 नहीं, इसमें पूरा 30 नंबर का हो गए। अब 5 नंबर का जो बचा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, तो ये क्वेश्चन नंबर है, ये है आपका टोटल 3 मार्क्स ईच, और जो लास्ट के क्वेश्चन है 5 मार्क्स, ठीक है। तो जो कि पार्ट सी है, या आपका सेक्शन सी कह सकते हैं, या आपका जिसे कहते हैं कि केस स्टडी क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स को मैंने दोनों को एक साथ ले लिया, क्यों? क्योंकि दोनों मिलाकर ही जो है आपके करीब 7-8 नंबर के या 9 नंबर तक क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों मिलाकर। आपको बता दें स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर थे वो मिलाकर 17-18 नंबर तक आ जाते हैं, मैक्सिमम 17 या 18 नंबर के, 18 मार्क्स तक। और बाकी जो ये आपके एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स या एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये दोनों मिलाकर करीब 7 या 8 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा, बाकी 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो बचा, अगर एक एक चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर एंड डायोड, जंक्शन डायोड, और दूसरा है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो जिसको हमने अलग वीडियो में उसको दिया है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में जो है हम कल एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स बताएंगे, दोनों एक साथ बताएंगे। और कभी कभी न्यूक्लियर फिजिक्स के, हो सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए तो एटॉमिक फिजिक्स के 2 नंबर क्वेश्चन कम आ जाएंगे 2 मार्क्स के, या अगर एटॉमिक फिजिक्स के 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए तो न्यूक्लियर फिजिक्स कम है, ऑल टुगेदर ये दोनों मिलाकर करीब 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और दोनों के क्वेश्चन ही खूब बड़े क्वेश्चन नहीं होते, न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल जरूर बड़े होते हैं, यानी कि कैलकुलेशन वाले थोड़ा होते हैं। जैसे कोई 2 आइसोटोप दे दिया, वो दोनों आइसोटोप्स के अलग अलग मासेस को यो यूनिट के टर्म में दे दिया कि 7.00746 यू, एंड दूसरा दिया है 8.00862 यू, दोनों यू दे दिया, और मास ऑफ द मेन न्यूक्लियस भी दे दिया। तो हर एक का कितना कितना अबंडेंस है, कितना कितना परसेंटेज अवेलेबल है दोनों आइसोटोप उस सैंपल ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस। तो इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में खूब सारे दे रखा है, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आपको लगाना है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा किसमें आते हैं, और क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होते तो आप इसके आंसर लिख सकते आसानी से। तो सबसे पहले मैं इसको एक साथ ही देखता हूँ, जिससे कि आपको साइमल्टेनियसली आपको याद होना आसान हो जाएगा। देखिए एटम्स में बोर्स पोस्टुलेट्स पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। एक जनरली बोर्स पोस्टुलेट्स होता है क्या, उस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया कि 3 जो बोर्स पोस्टुलेट्स होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इस पर बेस्ड इसका सब पार्ट्स में आते हैं कि जैसे रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज गिवन, तो रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट कितना होगा, तो ये सिंपली कि आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर जेड हाइड्रोजन एटम है तो Z1 होगा, तो इन जनरल अगर अलग अलग हाइड्रोजन एटम हो तो जैसे एटमिक नंबर बढ़ता रहता है तो आर एन कम होता जाता है, आप देख सकते हैं आर एन इज आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन जेड।
तो इस पर बेस्ड एक डायरेक्ट सिंपल इसको जरूर आप नोट कर लेंगे आपने ग्राफ कॉपी में, इसलिए मैंने इसको बता रहा हूँ। आर एन इज प्रोपोर्शनल टू आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एन एम जेड ए स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्मूला है। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड इज ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसी पे कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है, वी एन इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई एन या वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड। टोटल एनर्जी को भी उसी टर्म में लिख सकते हैं, आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसी को मैं हाइड्रोजन के लिए हम लोग 13.6 अपॉन एन स्क्वायर विथ माइनस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मेट में सब बोर्ड पोस्टुलेट से संबंधित कई घुमा घुमा के कई पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन न्यूक्लियस में के इसका नंबर वन में मैंने लिखा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। इट इज शो दैट ऑल द न्यूक्लियर हैव द सेम और कॉन्स्टेंट न्यूक्लियर डेंसिटी। अब इस पर न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए आप जानते हैं मास अपॉन दिस होता है, और इसमें जो है हम लोग क्या लिखते हैं आर जीरो ए टू द पावर वन बाई एल एंड सो ऑन। और इसमें जो फॉर्मेट जो हम लोग देखते हैं कि देखिए ये खाली एक ही मास एम दिया हुआ है, और ये मास ऑफ हम लोग नेचुरली जो जितने भी एक्सप्रेशंस हम लोग यूज करते हैं, तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग प्रोटॉन का मास लेके चलते हैं। तो जो भी है फिलहाल कैलकुलेशन करने के बाद 2 × 10⁻¹⁷ केजी पर मीटर क्यूब जो कॉन्स्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ ए, क्योंकि अब जब हम लोग जब इसके बारे जब हम लोग करते हैं जब हम लोग इसको लिखते हैं तो पाई 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब की जगह आर नॉट क्यूब और ए टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3 मीन्स जस्ट ए, नीचे खाली ए आ जाएगा और ऊपर जो एम ए लिखा हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ए ये हो जाएगा एम पे जगह लिखेंगे। तो ऑब्वियसली जब कैलकुलेशन करने के बाद ए ए कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो ये चीज बचेगा इसका ऊपर आप ले जाएंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन से अल्टीमेटली कट कटाने के बाद ये चीज बचेगा, वो नीचे 10⁻⁵ बचेगा क्योंकि आर नॉट तो नीचे आएगा, आर नॉट क्यूब तो ये 10⁻⁵ आएगा और ऊपर जो है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 10⁻²⁷ के टर्म में होता है। तो ऑब्वियसली जो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 17 करीब अप्रोक्सीमेटली बचेगा। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए लिखा हुआ साफ साफ, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा। आइसोटोप आइसोबार पर भी कुछ क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैसे आइसोटोप आइसोबार कुछ दे दिया गया है। तो आपको मालूम है कि आइसोटोप्स आर दोज न्यूक्लियाई विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट देयर मास नंबर्स आर डिफरेंट। ऑन द कंट्रेरी आइसोबार्स आर दोज न्यूक्लियाई विच हैव द सेम मास नंबर बट देयर एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। ये उसके फॉर्म में ये दिया होता है आइसोटोप्स और आइसोबार्स इस तरह से अलग अलग दे रखा है, तो वो आपको आना चाहिए। अच्छा कंपैरिजन एक दो नंबर के क्वेश्चन जैसे आप कहते हैं दो नंबर से कम क्वेश्चन होता ही नहीं है यहाँ पर, तो दो नंबर से कम में क्वेश्चन अगर नहीं है तो कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई इस फॉर्मेट में आपका आ सकता है आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू होल टू द पावर 1/3, इस फॉर्मेट में ये आ सकता है। तो ये है फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट पॉइंट एटम्स का बोर्स पोस्टुलेट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए न्यूक्लियर रेडियस न्यूक्लियर डेंसिटी आइसोटोप आइसोबार न्यूक्लियर साइज इस पर बेस्ड है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए सेकंड वाले में क्या लिखा है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, इसमें ड्रॉबैक्स आपको जानती है कि क्या होता है कि जब व्हेनेवर एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस रेडिएशन एंड कंटिन्यूस प्रोड्यूसर रेडिएशन मीन्स इट मस्ट प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस ग्राफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ऑन द अदर हैंड सिंस इट कैजुअली रिड्यूसेज इट्स रेडियस एंड अल्टीमेटली कोलैप्सेस टू न्यूक्लियस, तो इसके मतलब क्या कि ये जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को भी ये एक्सप्लेन नहीं करता है, और इसके साथ डिस्क्रीटनेस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम उसको भी वेरीफाई नहीं करता। दे आर द ड्रॉबैक्स और अदर फॉर वो सब मेरे ओरिजिनल आपके वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर खाली आपको टिप्स दे रहा हूँ कि कौन कौन से जरूरी पॉइंट जो आपको मस्ट पढ़ना है एग्जाम से पहले एक झलक जरूर देख लीजिएगा। बाकी तो आपको अल्टीमेटली आपका उसमें जो एग्जाम गाइड होता है या आपका जो क्वेश्चन बैंक उससे देखना है। अच्छा इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होगा। अच्छा न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड जब क्वेश्चन होगा इसमें चेन रिएक्शन और
आपका जो है कंट्रोल एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन तरह तरह आपका आइडिया आना चाहिए, और हर एक में हर चेन रिएक्शन का हर स्टेप में 200 मिलियन न्यूटन वोल्ट बनेगा। अब जब अगर अनकंट्रोल बन जाएंगे तो एटम बम बन जाएगा, बहुत ही खतरनाक एनर्जी वाला, और कंट्रोल लेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बन सकता है। तो ये न्यूक्लियर फिशन है, इसी में उसी में न्यूक्लियर फिशन नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ड्रॉबैक्स और रदरफोर्ड मॉडल के बाद हमारे जो एटम्स में जो हम लोग और चीज़ देखते हैं इसमें क्या देखते हैं, स्मॉल न्यूमेरिकल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। भैया आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि विच हाइड्रोजन सीरीज कैन गिव द लोएस्ट वेवलेंथ, तो आप जानते हैं ये लाइमन सीरीज है, वो लाइमन सीरीज का जो लोएस्ट वेवलेंथ है एक तो वो जो है आपका 800 समथिंग आर्मस्ट्रॉन्ग का आएगा, तो जो कि आपके दैट इज दैट गिव्स द लोएस्ट थिंग दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इक्वल टू वन। इस रेंज में जो लॉन्गेस्ट जो आपका ट्रांजिशन होता है दैट गिव्स द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, एंड शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन गिव्स द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो इसमें होगा एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू टू वाला जो टर्म होगा उसको आप लोग बड़े आसानी से जो है वेव नंबर फार्मूला से निकाल सकते हो। तो वेव नंबर फार्मूला पर बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो है लाइमन बामा सीरीज इन सब पर बेस्ड ये स्मॉल न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपका देखिए तीसरे नंबर में एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे मैंने कहा न्यूक्लियर रिएक्टर एस सच आपका कोर्स में इस बार के में इंक्लूडेड वाले में तो डिक्स से लिया नहीं है, तो लेकिन ये डिलीटेड लास्ट ईयर के सिलेबस में डिलीटेड वाले में नहीं है, जबकि क्लियर बिल्कुल लास्ट ईयर में लिखा था, तो अभी इसमें थोड़ा एक बेनिफिट ऑफ डाउट कह सकते हैं या एक तरफ से आप डाउट डाउटफुल सिचुएशन मान सकते हैं। तो न्यूक्लियर एलिमेंट्स जरूर देख लेंगे, एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एक बार जरूर देख लेंगे, कितने कितने पार्ट्स होते हैं, फ्यूल होते हैं, जैसे मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रॉड्स होते हैं, सील्स होते हैं, कूलेंट होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको जरूर एक बार एक झलक जरूर देख लीजिएगा, और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आते, दो नंबर से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये भी दो नंबर क्वेश्चन आते हैं, और ये सब क्वेश्चन सर दो दो मार्क्स के क्वेश्चन हमको दिख रहा है यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं। एटॉमिक फिजिक्स में ये सब दो दो मार्क्स के क्वेश्चन, ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं एटम बोर्ड्स और पॉस्टुलेट्स अगर आ जाए फुल एक्सप्लेनेशन वो 3 मार्क्स के हो जाएंगे, अदरवाइज खाली इनके जो सप्लीमेंट्स पे जैसे आरएन पूछा गया, वीएन टोटल एनर्जी इनपुट बेस्ड अगर होगा तो ये सब आपके जो है मुश्किल से दो दो नंबर के क्वेश्चन में ही आएंगे। स्मॉल न्यूमेरिकल एंड हाइड्रोजन सीरीज ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आते, ठीक है। लेकिन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सो दैट बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बाकायदा एक सर्कुलर ऑर्बिट को आपने एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को वेव फॉर्मेट में दिखा दिया, वेव फॉर्मेट में दिखा दी, जब वेव फॉर्मेट में दिखा दिया तो ये इसका पूरा 2πr जो इसका सर्कमफेरेंस है दैट कुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये दो के बीच इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा मान के चलेंगे, इससे बीच के डिस्टेंस को लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक के बीच लैम्डा, तो अगर एन लैम्डा के फॉर्म में करेंगे वेयर एन इज एन इंटीग्रल नंबर, तो उस फॉर्मेट में करेंगे तो 2πr इक्वल टू एन लैम्डा आता है एन एच अपॉन एम वी, तो इसमें आप जो है 2π को नीचे ले आए और एम वी को ऊपर ले जाए तो एम वी आर आ गया, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2πr 2π, ये आ गया। एम वी आर एक्चुअली क्या होता है, एम वी आर होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π, ये फॉर्म आपका बोर्स पॉस्टुलेट बताता है, तो आप सिंपली देख रहे हैं कि कहाँ आपने यूज क्या किया था कि बोर्स पॉस्टुलेट को आपको दिखाना था, आपने क्या किया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेके चले, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पहले से डी ब्रॉगली वेव से चल रहे थे, और लास्ट में इसको प्रूफ क्या कर दिया, इट इज प्रूफ एज द बोर्स पॉस्टुलेट। तो एक तो ये फॉर्मेट एक जनरल फॉर्म में हो गया, और यहाँ पर जब देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे तो न्यूक्लियर फिजन जैसे मैंने कहा एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसे लॉन्ग न्यूमेरिकल ऑन दिस, मैं इसको थोड़ा क्लोजअप दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। देखिए इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, मैंने इसलिए बहुत क्लोज बना दिया इसको, इसमें क्या लिखा है लॉन्ग क्वेश्चन में
इसे एक एग्जांपल दिया है कि बोरॉन हैज टू आइसोटोप B10-5 एंड B11-5, देयर रेस्पेक्टिव मासेस आर 10.01294U एंड 11.00931U एंड द एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.181U. Find the abundances of B10-5 and B11-5. तो abundances मैंने कितने कितने percentage है दोनों isotope इस मूल जो object है main object जो है main nucleus जो कि boron का है उसमें मौजूद है, ये आपको percentage पूछा गया. इस टाइप के NCERT में दो चार का ही क्वेश्चन है, तो उनको जरूर आप इसे एक बार देख ले. तो इसे एक बड़े क्वेश्चन का 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है. अच्छा, कभी कभी जैसे मैंने कहा कि मोस्टली जो केस स्टडी क्वेश्चन जो है आपका ऑप्टिक्स में से दिया जाता है, सैंपल पेपर में देखा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सैंपल पेपर में दिया था वो उसी में से ही आएगा. एक इसमें से भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है केस स्टडी क्वेश्चन आपका इस न्यूक्लियर वाले चैप्टर से आ गया, क्योंकि तो इसमें न्यूक्लियर फिशन पर बेस्ड या न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, कई चीज़ बन सकते लिख सकते, तो उस पर बेस्ड आपको केस स्टडी क्वेश्चन आएगा. और जिसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आपके पैराग्राफ में दिया जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन को आपको आंसर आपको उसी से निकाल सकते हैं जिससे कि आप सॉल्व करें. देखिए मैं इसको फिर क्लोज अप दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग से. न्यूक्लियाई का फर्स्ट क्वेश्चन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नहीं तो आप पॉज कर करके भी देख सकते हैं. लास्ट में आपका जो है ये न्यूमेरिकल है. तो इसी तरीके से मैं जब एटॉमिक फिजिक्स की बात करूंगा एटम्स में, देखिए सबसे पहले आपका इस टाइप का है बोर्स पोस्टुलेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आर एन का कंडीशन, आपका वी एन का कंडीशन, टोटल एनर्जी का कंडीशंस इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. फिर आपके जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ओरिजिनल मिला हुआ क्वेश्चन भी रिलेटेड आ सकते हैं. ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इसी में आपका अल्फा रे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के थोड़ा थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि जो कि आपका जिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट था वो रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स के साथ साथ उसको भी आपको देखना चाहिए, ठीक है. और इसमें जो अलग अलग इंपैक्ट पैरामीटर और ये जितना इसमें है वो आपको देखना है, वो ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडल रदरफोर्ड मॉडल के आसपास ही है, तो उनको भी थोड़ा बहुत आपको देखना है. अब देखिए ये स्मॉल न्यूमेरिकल्स ऑन हाइड्रोजन सीरीज, ये तो जैसे मैंने बताया लाइमन रामा सीरीज आपको बता दिया था. और फर्स्ट लाइन जो होता है यानी कि जो क्लोजेस्ट ट्रांजिशन होता है उसको हम लोग हमेशा अल्फा लाइन. देखिए इसमें हम लोग ने ये बताया था कि ड्रॉबैक्स और रदरफोर्ड मॉडल से संबंधित कई एक अलग अलग पार्ट्स होते हैं. कई कई जैसे एक खाली ड्रॉबैक क्या है, दो ड्रॉबैक्स आपको मालूम है वो आपको बताना है कौन से है. पहला ड्रॉबैक तो यही है कि हाइड्रोजन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रेडिएट्स सम एनर्जी कंटिन्यूसली सो दैट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कुड बी ऑब्टेन. जो एक्चुअली डिस्क्रीट लाइन होता है वैसे नहीं होता, वो एक ड्रॉबैक है. दूसरा ड्रॉबैक है कि ये कंटिन्यूसली उसके रेडियस कम होते होते अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कोलैप्स हो जाते हैं, न्यूक्लियस पे. तो जिसको कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए या एटॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ड्रो ड्रॉबैक्स इसका है, तो वो भी आना चाहिए. इससे संबंधित आपको जैसे मैंने कह दिया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देखिए जो कि स्मॉल न्यूमेरिकल आ सकते हैं हाइड्रोजन सीरीज में, जैसे मैंने आपको कहा था कि अल्फा लाइन जो होता है दैट गिव्स द इनफैक्ट बिगेस्ट वेवलेंथ इन एनी सीरीज, ये आपको मालूम होना चाहिए. बिगेस्ट वेवलेंथ को ही आपको अल्फा लाइन कहते हैं, यानी कि जो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होता है दैट गिव्स द बिगेस्ट वेवलेंथ, ठीक है. और इसी के साथ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर बेस्ड भी दो मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये हमने पहले ही आपको बता दिया कैसे आपको डी बॉगली थ्योरम थ्योरी से आपको जो है बोस पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करते हैं या डिराइव करते हैं वो ये है. और एक लाइन स्पेक्ट्रम पर क्वेश्चन भी आ जाता है. लाइन स्पेक्ट्रम पर क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जैसे आपका N1 इक्वल टू आपका 2 दिया है एंड N2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो इनके बीच कितने पॉसिबल लाइंस बन सकते हैं, ट्रांजिशन लाइंस आकर तो जो एमिसी स्पेक्ट्रम बन सकता है. तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा जो आपका स्ट्रेट लाइन खींच खींच का बनाना है, ड्रॉबैक करना है.
हर डायग्राम याद रखिएगा कि आपको पहले पेंसिल से ही बनाना है, बाद में उसको फेयर करने के लिए पेन उस पर चला दीजिएगा ताकि ओवर राइटिंग भी ना लगे और साफ सुथरा डायग्राम भी लगे। बहुत समय पेंसिल से डायग्राम को लोग रिजेक्ट कर दे तो ऑफिशियली उसको नहीं करना है, लेकिन एग्जामिनर के पास कोई चॉइस नहीं होता, जब लास्ट में आप उसको अटेंड करेंगे तो पेंसिल से भी करें तो भी आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स के बारे में डिटेल में देखा और ये भी देखा कि कैसे हम लोग इससे भी बहुत बढ़िया क्या कर सकते निकाल सकते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को फुल अटेंड भी करें और फुल मार्क्स भी पाए। हमें देखिए पहले तीन वीडियो जो भेजा था उसमें आपको पूरा ऑप्टिक्स को कवर किया, इस वाले वीडियो में न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स को कवर किया। अगले वीडियो जो होगा उसमें डेफिनेटली हम दो और चीज होगा, एक होता डी ब्रोगली वेवलेंथ या मैटर वेव और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, साथ ही साथ आपका सेमीकंडक्टर, उनको भी मैंने हम लोग क्लब करके एक साथ देंगे। विद दैट बेस्ट ऑफ लक। मैं जो देख रहा हूँ कि आप लोग जब भी मैं वीडियो एनालिसिस देखता हूँ उसमें देखता हूँ कि 70% आपने देखा है व्यूअर्स एंड 30% आर सब्सक्राइबर ओनली। प्लीज डोंट डू दिस, इफ यू सब्सक्राइब द वीडियोस नेचुरली मोर एंड मोर एनकरेजमेंट इज मेड टू अस सो दैट वी कैन गिव मोर videos to you and to the students community. Thank you very much.